अब एक बार क्वेश्चन नोट कर लेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तीन चार, इसको ट्राई करना है। फर्स्ट है, किसमें डाला मैंने RCO3H पहले, सेकंड केस में RCO3H, साथ में सेकंड पे डाला है H2OH+, एसिड हाइड्रोलिसिस किया है, थर्ड केस में डाला है से कोल्ड केवन फोर, फोर्थ केस में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, फिफ्थ केस में लेंगे कोल्ड केवन फोर ले लिया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लिया, फिफ्थ में लेना हॉट केवन फोर, कोल्ड केवन फोर हो गया, ऑस्मियम हॉट केवन फोर, सिक्स और सेवन्थ केस में ओजोनोलिसिस करना है, एक बार रिडक्टिव दैट मीन्स यूजिंग जिंक, और एक बार ऑक्सीडेटिव करना है, एक बार करना है ऑक्सीडेटिव विदाउट जिंक, ताकि ये सारी रिएक्शंस एक साथ कवर हो जाए ना। कल ये मैंने सारी रिएक्शंस में पढ़ाई है विद मैकेनिज्म, और आज इनके क्वेश्चंस ही दूंगा मैं, सही ना, इनके क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन ये दिया है और एक क्वेश्चन है, पहले दो क्वेश्चन ट्राई कर लो फिर उसके आगे दे रहा हूँ, पहले ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लो। CH3 होल्ड ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी सेम चीज डाली है, ये सेम चीज डाली है, क्लियर है सबको कि नहीं? ये तुम लोग पूरा लिखना, सात रिएक्शंस है, दो क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे ये।
अच्छा आप किस किस ने आंसर कर लिया, गर्व सिंगल का हो गया, मयंक चौहान का हो गया, और किसे किया है? अन्या, निकिता, सिद्धि, क्रिश। टोटल 6 बच्चों ने निकाला आंसर। प्रियंका 7, हिमांग 8, गलत हो गए कुछ नहीं। ट्राई करने में श्योर नहीं। अच्छा कुछ नहीं, चेक करना। देखो पहला केस है RCO3H। RCO3H जो है इस रिएक्शन का नाम था पेरिशेव्स रिएक्शन। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये मेडिकल में, IIT मेंस में, इवन एडवांस में भी आई हुई। इसमें दो तरीके के एडिशन होता है। पहला एडिशन जो होता है उसको बोलते हैं सिन इपॉक्सीडेशन। कल मैंने तुम्हें इसका मैकेनिज्म कराया था और उसमें बताया था कि इसमें स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। याद है सबको कि नहीं है? ट्रांजिशन स्टेट बनी थी सर स्पाइरो, एक एक एटम से दो रिंग जुड़ी थी, एक एटम से दो रिंग जुड़ी थी, सही है? तो अब RCO3H डालेंगे तो इसमें हो जाएगा सिन इपॉक्सीडेशन। मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं उसका, सिन इपॉक्सीडेशन। ये आंसर आएगा इस तरीके से, देखो एक बार ओ नीचे से जुड़ सकता है और एक बार ओ ऊपर से जुड़ सकता है। कोई डाउट तो नहीं है? सिन इपॉक्सीडेशन जब होगा, एक बार ओ नीचे से जुड़ेगा और एक बार ओ ऊपर से जुड़ेगा, तो एक आंसर यह एम ई लगा दिया मैंने और एक लगा दिया सिन, होता है एपॉक्सीडेशन। मैंने तो बताया था दोनों बॉन्ड नीचे होंगे या दोनों बॉन्ड ऊपर होंगे, तो ये बनेगा सिन एपॉक्सीडेशन। तो ये एक कंपाउंड होगा कि दो कंपाउंड होंगे? पहला क्वेश्चन ये, इसमें ये एक कंपाउंड होगा दो कंपाउंड होंगे? इसके पास POS तो नहीं है ना, ये देखो चेक करो, POS तो है नहीं इसके पास। ये एक कंपाउंड है कि दो कंपाउंड है? हाँ दो। इसकी मिरर इमेज भी तुम चाहो तो बना सकते हो, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं कि नहीं है? ये इस तरीके से, और ये ऐसे, तो ये आ जाएगा आंसर। और उसके बाद सेकंड केस जो है, सेकंड रिएक्शन, जब मैंने RCO3 है तो साथ में H3O प्लस डाला है, तो उस केस में क्या होगा? एंटी एडिशन। याद है ना H2H प्लस डालने पर एंटी एडिशन होता है इस केस में। एंटी एडिशन मतलब दोनों ऑपोजिट साइड, H प्लस पहले आएगा, O प्लस H, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ऊपर साइड से अटैक कर देगा, ये ऊपर साइड से अटैक कर देगा। तो मैं आंसर दिखा रहा हूँ डायरेक्ट तुम्हें, मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ। आंसर आएगा ये MeHOH, सेम साइड थे तो ऑपोजिट हो जाएगा, उस पर सिस फॉर्म थी ना, HOH और नीचे ET और साथ में इसकी मिरर इमेज। समझ आ गया कि नहीं है? दो आंसर आ जाएंगे इसमें। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अच्छा तुम में से कोई ये रास्ता है कि मैंने जैसे दोनों ME को ऊपर से जोड़ा हुआ है, इधर ME और ET को, यहाँ पे दोनों ME और ET को ऊपर जोड़ा है, इसको नीचे से भी जोड़ सकते थे कि नहीं? ME और ET को मैंने ऊपर से जोड़ा है, अभी ये ऊपर से, ये भी ऊपर से, इन दोनों को नीचे से भी जोड़ सकते थे कि नहीं? यस तो क्या उसकी भी मिरर इमेज बनती? सर, ये तो सेम कंपाउंड होगा। कैसे मैंग? सर वो तो अलग होगा, खैर मतलब दोनों बॉन्ड मतलब एक ही जगह पर होंगे, ऊपर या फिर नीचे, तो सेम होगा ना, अलग थोड़ी होगा दोनों। मैं, तेरी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही ढंग से। चलो अभी ये तुम्हें आंसर समझ आ गया इतना। अब OSO4 डालते हैं, तो इसका एडिशन कोल्ड कैमरा 4 का और OSO4 का एडिशन कैसा होता है? सेम इनका सीन एडिशन है और साथ में मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है इसके, इसके साथ में और क्या आता है सेकंड पे? H2H+। H2O H+, याद है कि नहीं है? इसमें भी H2O H+, ये आएगा कि नहीं सेकंड नंबर पे? हाइड्रोजन से जरूर आएगा, और इसका सीन एडिशन है। आंसर इसका ये आएगा इन दोनों का, MeHOH, सिस है तो सेम साइड पे, HOH और ET।
साथ में इसकी मिरर इमेज, मेटल कंपाउंड ही है, साथ में इसकी मिरर इमेज भी आएगी। चाहे तुम कोल्ड केमेनो फोर डाल दो या ओएसओ फोर डाल दो, दोनों के केस में सेम आंसर, दोनों के केस में सेम आंसर आएगा इसमें। समझ आ गया कि नहीं? और फिर उसके बाद रिडक्टिव ओजोलिसिस में आंसर क्या आएगा? CH3CHO और प्रोपेनल। क्लियर है कि नहीं? यस सर। और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में सर इनका एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में आ जाएगा आंसर एसिड, CH3COOH C2H5COH। और हॉट केमेनो फोर में सर वही आएगा एसिड वाला, वो CH3COOH और C2H5COOH। सेम आंसर, सेम आंसर आएगा ये एसिड वाला। मैंने बताया था तुम्हें ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस और हॉट केमेनो फोर के आंसर 99.9% केसेस में क्या होंगे? सेम, सेम होंगे, रिजेंबल करेंगे एक दूसरे को। डिफरेंस क्या था इसके अंदर, किसी को याद है? ये जिससे ढंग से मेरा लेक्चर पढ़ा उसको याद होगा, हॉट केमेनो फोर और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में क्या डिफरेंस आएगा और कहां पे डिफरेंस आएगा? सर टेंपरेचर जिस पे रिएक्शन होता है। बहुत अच्छे, किसने बोला है? मांग ने बोला है। यस सर। बहुत अच्छे। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कितने टेंपरेचर पे हुआ था? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस यार, ओजोलिसिस कितने टेंपरेचर पे होता है रिएक्शन? -75°C। हां -70, -75, -60, बहुत कम टेंपरेचर पे। और हॉट केमेनो फोर मतलब ज्यादा टेंपरेचर। इसमें डिफरेंस बताऊंगा मैं, एक क्वेश्चन दूंगा बीच में ऐसे ही, देखते हैं तुम क्या आंसर देते हो उसमें। अच्छा नेक्स्ट वाले का आंसर निकाल लिया है? नेक्स्ट वाले का आंसर निकाल लिया है? यस सर। देखो पहला केस, पहले केस में आंसर ये चीज ये आएगा, ये एक प्रोडक्ट मिलेगा, दो मिलेंगे, एक ही होगा, एक ही। और दूसरे केस में OH OH लग जाएगा। यस, ये OH और ये OH, ऊपर नीचे लगाएं या दोनों एक साइड OH लगा दें, क्या डिफरेंस है दोनों में? नो सर, सेम होगा। हाँ क्यों सेम होगा मैंग? सर इसमें किसी काइरल सेंटर नहीं है ना इसलिए। हाँ बिल्कुल सही है, काइरल सेंटर नहीं है, सेम आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या डाला? तीसरा केस क्या था? कोल्ड केमेनो फोर, कोल्ड केमेनो फोर डालेंगे तो भी यही आंसर, कोल्ड केमेनो फोर और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेम आंसर, ओएसओ फोर और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेम आंसर, क्योंकि कोई काइरल सेंटर नहीं है, सेम आंसर आएंगे इसमें। और हॉट केमेनो फोर में, हॉट केमेनो फोर में आंसर क्या आएगा? एसीटोन प्लस, दूसरा एसीटोन प्लस CO2 प्लस H2। एक्चुअल में अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस होता तो HCH आता है यहाँ पे, रिडक्टिव ओजोलिसिस तो हॉट केमेनो फोर में आएगा एसीटोन प्लस CO2 प्लस H2O। फॉर्मिक एसिड बनेगा भी तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हें कहा था HCHO बन रहा है, अगर HCHO जो भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हॉट केमेनो फोर है या ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है तो OH OH दोनों OH OH बन जाएंगे। और इसका मतलब H2CO3 है, H2CO3 कह लो या फिर H2O प्लस CO। ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का भी आंसर यही है, हॉट केमेनो फोर का भी आंसर यही है। रिडक्टिव ओजोलिसिस में आंसर क्या आएगा? रिडक्टिव ओजोलिसिस में क्या आंसर आएगा? हाँ एसीटोन प्लस HCHO। उल्टा करना आता ना सबको इसका? यस सर। निकाल देंगे। अब दो क्वेश्चन किए थे मैंने, दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिए, दोनों के दोनों क्वेश्चन किसके सही हैं? निकिता, मयंक, हिमांग, प्रियंका, गर्व, पूरे पूरे सही है क्वेश्चन? यस सर। सिद्धि, यस सर। बहुत अच्छे, अगर तुम लोग 11th वाले बच्चे सही कर रहे हो फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चलो एक बार हैंड सेस करना, इसको समझ आ गए दोनों क्वेश्चन। जिसको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, निकिता, कृष, मयंक, हिमांग, जिया, नयंत, गर्व, ध्वनि, वेदांत, कृष्णा, प्रियंका, प्रिया,
भव्या, सिद्धि, आर्यमन, मनन, मनन, यस सर, मनन तबीयत ठीक है तेरी अभी? यस सर। मनन फिर शुरू वाले टॉपिक से अटेंड करेगा ना तो समझ आएगा सारा, इससे अटेंड करेगा फिर दिक्कत रहेगी। मयंक और मैं सिर्फ वीडियोस देख रहा हूँ। ऋषिका, अच्छा ऋषिका, यस सर, ऋषिका बीच में से करोगे तो नहीं समझ आएगा ऐसे। आन्या समझ आ गया कि नहीं? आन्या सही, अच्छा वेदांत, यस सर, वेदांत कौन सा वाला गलत हुआ तेरा? तो मेरे को वही वो केम इन 4K हॉट और कोल्ड वाले में थोड़ा कंफ्यूजन था। अच्छा सही है, अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ जी सर। अच्छा सही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना इसी में, इसी के मैं ना तीन चार क्वेश्चन और करा रहा हूँ, यही वाली सेम रिएक्शंस होंगी, ऐड कर लेंगे क्वेश्चंस एक बार फिर ना, यही वाली रिएक्शंस होंगी सेम। ये कंपाउंड हटा दो, इस कंपाउंड कटा करके और तुम इसमें लगाओ, इसके कल मैंने इजी वाले क्वेश्चन तुम्हें करा दिए थे है ना, इजी वाले क्वेश्चन हो चुके हैं इसके, इसमें ऐड कर दो तुम से। चलो पहले दो लिए थे अब तीन ले लेते हैं, इसमें एक बार ये ले लो ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए ढंग से, एक बार ये ले लो फर्स्ट पे, सेकंड पे ले लो तुम डबल बॉन्ड, दोनों दोनों ले लो एक बार, फिर एक बार मैंने सिस वाला दिया था ना, ये ले लो सिस वाला, ये मैंने कल करा दिया वैसे लेकिन दोबारा ले लो कुछ ही होता, सिस ले लो एक बार, ले लो ट्रांस एक बार, ट्रांस ले लो सिस ट्रांस, और इस टाइप से मतलब एल्कीन ही लिया धरता, मैंने एल्कीन से स्टार्ट किया है, एक बार ये लिया, एक बार ये लिया, एक बार ये ले लिया है, एक बार ये ले लिया है, एक बार ये दोनों ले लिए, फिर सिस ट्रांस ले लिए, ये सिस ट्रांस ले लिए, यही क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, पता लग रहा ना, ये पता लग रहा कि नहीं? चलो अब ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, चार क्वेश्चन दिए हैं ये चारों निकाल दो जल्दी से, ये वाला प्रैक्टिस इतनी करानी है मेरे को कि तुम कोई रेजेंट आ जाए ना, पेरिशेव्स रिएक्शन का रेजेंट आ गया तो तुम्हें दिमाग सोचना ना पड़े कि क्या होना है इसके अंदर, और इसे कुछ ना कुछ दिमाग में घूमता ना कि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट आती है, दो पांच मेंबर की रिंग बन रही है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ बीच, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहता है ना, तो एक वर्ड में आ गया किसमें से किसके अंदर स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट आएगी, तो तुम्हारे दिमाग में अगर मैकेनिज्म है या रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ तुम सोच लोगे, इसीलिए करना है। चलो ये निकालो चारों क्वेश्चन,
घर सारे हो गए? यस सर। और किसने कर लिया है? गर्व, मयंक, आन्या, क्रिश, सिद्धि, प्रियंका, निकिता। चलो आंसर देखेंगे एक बार, जल्दी से आंसर देख लेंगे। पहले केस में आर सी ओ थ्री एच डाला है, फर्स्ट केस में आर सी ओ थ्री एच डाला है तो क्या होगा इसके अंदर? सिन एपॉक्सीडेशन, ये चीज आएगी। हाँ, सिन एपॉक्सीडेशन ये आ जाएगा। और एम ई लगा हुआ है एक, ये एम ई जो है ये ऐसे भी लग सकता है, और प्लस दूसरा केस कैसे लग सकता है इसमें? ये ऐसे भी लग सकता है, कोई डाउट तो नहीं है? ये दो पॉसिबिलिटी आएंगी इसमें कि नहीं? यस सर। ये रेसिमेट लेगा आंटना चीज का, दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये रेसिमेट लेगा, और उसके अगले केस में क्या होगा? अब इसके केस में क्या होगा? अब एच प्लस डालेंगे जब, तो सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है इसमें, सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, तो उस पर ओएच लगाना है। इस पर तो सिंपल लगा देना ओएच, और उस वाले पे जो ओएच है एमई के साथ ओएच कैसे लगेगा? ये ओएच लगा दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक बार, और एमई, और दूसरा ओएच कैसे लग जाएगा? डैश पे। समझ गया कि नहीं है? समझ आ गया? सिंपल मान लो तुम यहाँ पे ओएच माना, ये साथ में ले लो इसकी मिरर इमेज, साथ में इसकी मिरर इमेज, इससे तो कोई मतलब है नहीं, ये तो कैसे भी बना लो तुम, ये कैसे भी बना लो, बस इसकी मिरर इमेज बनेगी ओएच की, इस वाले ओएच की, ये ऊपर और ये एमी। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। और आगे वाले आंसर सेम होंगे कि नहीं? कोल्ड कैमरा 4 का आंसर सेम होगा कि नहीं? यस सर। एस3 हाइड्रोजन जरूर करना, सेकंड H2 डालना है आपको, ओएच 4 का यस सर सेम ही आएगा। दोनों में सेम एडिशन है, ऊपर एंटी एडिशन था लेकिन एक ही कार्य सेंटर है इसलिए उसका कोई मीनिंग नहीं है। हॉट कैमरा 4 में आंसर क्या आ जाएगा? एसीटोन प्लस एसिटिक एसिड, हाँ प्लस एसिटिक एसिड, और यही आंसर किसका होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का। रिडक्टिव में क्या आ जाएगा? CH3CH2। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये सारे सही थे? यस सर। अब नेक्स्ट जो आंसर है, नेक्स्ट आंसर के केस में चेक करो, नेक्स्ट में जिसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है, तो बहुत सिंपल तरीके से सोचना है, ये हट गया इपॉक्सी, सिन इपॉक्सी एडिशन हो गया, फिर ओएच ओएच लगा देना, कार्य सेंटर तो आना नहीं है इसके अंदर, दोनों साइड एमई है इसलिए एमई एमई ओएच, कार्य सेंटर तो नहीं आ रहा ना इसमें, दोनों सेम टाइप लगा दो, ऑपोजिट लगा दो, एक ही बात है ये, पता है ना? यस सर। तो कोल्ड कैमरा 4 का ओएसओ 4 का आंसर सेम, कोल्ड कैमरा 4 ओएसओ 4 का आंसर सेम, और हॉट कैमरा 4 और इन तीनों के भी आंसर सेम, आंसर क्या आ जाएगा? एसीटोन, 2 मोल्स एसीटोन की। क्लियर है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट जो है, अब कार्य सेंटर 2 आएंगे तो ही ये सिन एडिशन एपॉक्स और एंटी एडिशन वैलिड होगा। अब ये सिस वाला लिया जब मैंने, एक आंसर ये, कितने आंसर है ये? एक की दो कार्य सेंटर है इसमें, एक है कि दो है, इंपॉर्टेंट है ये सर, एक होगा ना? हाँ, क्यों बताया मैं? मेजो कंपाउंड है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, कार्य सेंटर है इसमें, दो कार्य सेंटर है, एक ही वाला, एक ही वाला, बट इट इज मेजो एज इट इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसलिए ये एक ही कंपाउंड में काउंट होगा, इसलिए ये एक ही कंपाउंड में काउंट होगा, काउंट होगा, सही है। उसके बाद आ गया ये आ गया, इसके बाद हमारा आ जाएगा फिर तो ओएच ओएच लग जाएंगे, फिर ओएच ओएच लग जाएंगे, और एडिशन होगा हमारा कौन सा? एनटी, तो ये इस तरह से कर देना एम ई एच ओ एच एच ओ एच एम ई, ये आ जाएगा, और इसकी मिरर इमेज भी मिल जाएगी, दो आंसर आ जाएगा। और जब ओएसओ 4 है या कोल्ड कैमरा 4 है उस केस में आंसर एक ही आएगा, एमई एमई एच ओ एच
HOH, मीजो कंपाउंड. और हॉट के ब्रोफोर में आंसर दो मोल्स एसिटिक एसिड के, रिडक्टिव ओजोनोसिस में दो मोल्स एसिटाल्डिहाइड के, ऑक्सीडेटिव में भी हॉट के ब्रोफोर वाले आंसर यानी दो मोल्स एसिटिक एसिड के. क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया सबको कि नहीं? यस. चलो नेक्स्ट अवेल लास्ट जो है ट्रांस वाला, ट्रांस ब्यूटुइन जो दे रखा मैंने तुम्हें, ये कल सिंपल तरीके में मैंने करवा दिया ऐसे इसको ट्रांस वाले. इसमें ये आएगा, एक मिनट, ये आंसर कितने हैं, एक के दो, ये एक आंसर है दो है. मैंग सर ये दो होंगे. हाँ ये दो होंगे, क्यों? क्योंकि ये ऐसे है ना, एमई सिन एडिशन किया मैंने, सिन एपॉक्सीडेशन किया, ये आया एमई एक बार ऐसे है और एक बार ऐसे है, तो मिरर इमेज तो बनेगी. ये तो मीजो नहीं है ना, इसकी मिरर इमेज बनेगी. और उसके बाद ट्रांस था और अब हमने डाला इसमें H2OH प्लस, तो इसमें मीजो मिल जाएगा. एमई एमई एच एच ओ एच ओ एच, इसमें मीजो मिलेगा एक ही कंपाउंड H2OH प्लस डालने पर. और कोल्ड के मैंने फोर और OSO4 का आंसर, इन दोनों का आंसर एमई एमई एच ओ एच, क्योंकि ये सिन एडिशन होता है, ऑपोजिट तो ऑपोजिट रन देगा, मिरर इमेज मिलेगी. और इसके आंसर सेम रहेंगे, इसके और इसके आंसर रिडक्टिव ओजोनोसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस और हॉट केमर फोर के, तीनों के आंसर सेम रहेंगे. क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर. किसी के क्या सारे सही हुए? कोई भी ऐसा बच्चा इसके सारे सही हुए? गर्व के सारे सही हैं? गर्व, मयंक, निकिता, सिद्धि. चलो समझ आ गया सबको? एक बार हैंड से करने से समझ आ गया जल्दी से, फिर मैं दो तीन क्वेश्चन इसके और प्रैक्टिस कराऊंगा बस. हिमांग, आन्या, मयंक, आर्यमन, गर्व, भव्या, निकिता, कृष, जिया, सिद्धि, नयन, प्रियंका, प्रिया, कृष्णा, नित्या, मयंक, वेदांत, ध्वनि, मनन को नहीं समझ आएगा अभी, मनन क्लास करनी पड़ेगी पहले. वेदांत अभी गलत हुआ कोई क्या? वेदांत सर एक बार वो RCO3H वाला फिर से बता दो, उसमें एपॉक्सीडेशन सिन होता है एंटीबू वाला सिन. अभी मैं रीजॉइन कर ले फिर बताता हूँ, क्योंकि टाइम कम हो जाएगा. सही है, रीजॉइन कर ले एक बार. सही है वेदांत? यस सर.